अल्लाह की इबादत करने का। अरे मस्जिदों से मनाते हैं, गैर भी मनाते हैं, बड़े मजहब भी मनाते हैं, क्या उनकी इबादत करते हैं, क्या उनकी इबादत कबूल होती है, क्या उनकी नमाजें कबूल होती है, वो भी अल्लाह का घर बनाते हैं, वो भी ताबून बनाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, हमसे ज्यादा लंबी की नमाजें कबूल होती है। पहले रूट समझिए कि नमाज तक पहुंचने का रूट क्या है, नमाज तक पहुंचने का रूट क्या है। पहले रूट तो जानिए, रंग रूट तो बन जाते हैं, नमाज के रंग रूट तो बन जाते हैं, मगर नमाज का रूट नहीं मालूम, नमाज का रूट नहीं मालूम। अल्लाह अपने कलाम पाक में हमें और आपको नमाज का रूट बता रहा है। तो पहले नंबर पर ईमान, दूसरे नंबर पर ताज़ीया, तीसरे नंबर पर इबादत, तीसरे नंबर पर नमाज, तीसरे नंबर पर रोजा, तीसरे नंबर पर सारी इबादत। अल्लाह ने पहले ईमान का जिक्र किया, फिर ताज़ीया रसूल का जिक्र किया, और फिर इबादत का। तो एक पहले नंबर पर ईमान को रखा, दूसरे नंबर पर ताज़ीया रसूल को रखा, तीसरे नंबर पर इबादत को रखा। और आसानी समझा दूं कि एक तरफ ईमान का जिक्र किया, दूसरी तरफ इबादत का जिक्र किया, और बीच में ताज़ीया रसूल को रखा। एक तरफ ईमान, एक तरफ इबादत, बीच में ताज़ीया रसूल। अच्छा ये बताइए कि बीच का मकाम किसका होता है, बीच का मकाम किसका होता है? अरे बीच का मकाम रूह का होता है, है ना? बीच का मकाम रूह का होता है, क्योंकि रूह जिस्म के बीचों बीच होती है। रूह जिस्म के बीचों बीच होती है। अगर यही रूह जिस्म से निकल जाए, अगर यही रूह जिस्म से निकल जाए, तो जिस्म में जान रहेगी, जिस्म तो बेजान हो जाएगा। अरे ना हाथ काम करेगा, ना पैर काम करेगा, ना आंख देख सकेगी, हो जाएंगे। क्यों? कि जिस्म से रूह निकल गई। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जिस्म से रूह निकल गई तो मालूम हुआ जिस्म को सारा निजाम तो चल रहा है, सारा सिस्टम जो काम कर रहा है वो रूह की वजह से कर रहा है। अगर रूह ना हो, अगर रूह जिस्म से निकल जाए, तो जिस्म किसी काम का नहीं, जिस्म किसी काम का नहीं, तो रूह की क्या अहमियत है? या समझ के रूह का क्या मुकाम है? या समझ के होंगे तो अल्लाह ने ईमान और इबादत के बीच में ताज़ीया, इबादत की भी जान है ताज़ीया मुस्तफा। इसलिए कि जैसे रूह जिस्म के बीचों बीच होती है, उसी तरह ईमान और इबादत के बीच में ताज़ीया मुस्तफा की रूह है। ईमान और इबादत के बीच में ताज़ीया मुस्तफा की रूह है। खबरदार, इसे बीच से हटने मत दो। अगर ताज़ीया रसूल की रूह अगर बीच से निकल गई, ताज़ीया रसूल को बीच से हटा दिया, तो वही हाल होगा जो जिस्म का होता है। जैसे जिस्म से रूह निकल जाए तो जिस्म बेजान हो जाता है, ऐसा ही ईमान और इबादत के बीच से अगर ताज़ीया रसूल को निकाल दिया, तो आपका ईमान भी बेजान हो जाएगा, आपकी इबादत भी बेजान हो जाएगा। अच्छा एक बार और बता दो कि
अल्लाह ने ईमान का जिक्र सिर्फ एक लफ्ज से लेतो मैं बिल्ला और इबादत का भी जिक्र किया तो एक लफ्ज से किया वो तो सब बेहू वह तो सब बेहू मगर जब अपने महबूब की ताजीम की बात आती है तो एक लफ्ज नहीं बल्कि दो दो लफ्ज वह तो अज़रू हो वह तो वक्त हो वह तो अज़रू हो क्या मतलब यह डबल सिर्फ वह तो अज़रू हो फरमा देता तो बात मानना मतलब या एक बल्ब से काम चल जाता पांच पांच बल्ब की क्या जरूरत एक आलिम से काम चल जाता दस दस आलिम की क्या जरूरत होता बहुत कि क्या जरूरत उनको सिर्फ हमारे प्रोग्राम में ही जरूरत का ख्याल और किसी चीज में नहीं हम मिलाद करेंगे तब इतना हम औलिया इकराम की आराज करेंगे तब इतना बहुत एतराज करने वालों अरे हम पे इतराज बाद में करना हम पर इतराज बाद में करना अगर हिम्मत है तो अपने खालिक से अपने मालिक से इतराज करो कि मौला एक लफ्ज से काम चल जाता दो दो लफ्ज की क्या जरूरत मौला एक लफ्ज से काम चल जाता दो दो लफ्ज की क्या जरूरत तो जवाब यही मिलेगा अरे नादान हर जगह जरूरत का तकाजा नहीं देखा जाता बल्कि मोहब्बत का तकाजा देखा ये अल्लाह के महबूब की बात है ये वो महबूब है अल्लाह का जिसके सदके में पूरी कायनात बनी जिसके सदके में आप हम हैं हम जो कुछ खा रहे हैं उनका सदका तो एक बार बताऊं आप एक बात है बुजुर्ग का बात वाक्य है नाम नहीं याद है हर साल अपनी खानकाह में धूमधाम से ईद मिलादुन्नबी मनाते थे और खूब चराग करते थे उस दौर में लाइट नहीं थी चराग थे दिए जलते थे तो अपनी खानकाह में खूब दिए रोशन करते थे खूब दिए जलाते थे क्योंकि खानकाह पूरी जगमगा जाती थी एक ऐसे मिला सब बहुत और कहने लगे अरे आप तो बहुत बड़े अल्लाह के बुजुर्ग हैं वली आप इतनी फजूल खर्ची कर रहे इतनी फजूल खर्ची कर रहे हैं इतने सारे चराग तो चला रहे अरे 10-20 चराग से काम चल जाता 50-100 चराग से क्या करते जराग से काम चल जाता 150 चराग जलाने की क्या जरूरत तो खैर बुजुर्ग फिर उन्होंने मोबाइल से नहीं पड़े कहा कि अच्छा ठीक है तुम जाओ तुम्हें जो है जरूरी लगना जाओ तुम्हें बुझा जो गैर जरूरी तुम्हें लग रहा है अब ये सीना तान के चल रहे जितने चराग जल रहे थे सब एक एक करके बुझाना शुरू कर फूंक मार के मारते
जब तक दीप चराग रहेगा कि हाँ आप अब ठीक है। बुझाते बुझाते फिर वो बुजुर्ग के पास आए। बुजुर्ग ने कहा अब आप मुतमइन हो गए? कहा कि हाँ मुतमइन हो गए। लेकिन जरा पीछे घूम कर देख लिया। बुजुर्ग ने कहा कि जरा पीछे घूम के देखिए। जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो देखा सारे चराग फिर से रोशन, सारे चराग फिर से रोशन हो गए। तो फिर ये जनाब बोल उठे, ये देखिए आप करामत दिखा रहे हैं। मैं मानता हूं आप अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के बुजुर्ग हैं, आप करामत दिखा रहे हैं, मगर एक बात एक मसला है। ला खैरा फिल इस्लाम, ला खैर के लिए तहली ज्यादा, ला खैर को यही लाइन याद आ गई कि ला खैरा फिल इस्लाम। हुजूर सच्ची में कोई खैर, हुजूर सच्ची में कोई खैर। अब उन बुजुर्ग ने क्या किया? उन्हीं के जुमले को पलट दिया। अरे तू कहता है ला खैरा फिल इस्लाम, अरे तू क्या जाने, मैं तुझे बताता हूँ कि ये क्या है। अरे ला इसराफा फिल खैरा, भलाई के काम में कोई फजूल खर्ची। उन्हीं के जुमले को उन बुजुर्ग के पलट, यही बेचारे शर्मिंदा हो गया। चले ईमान लाओ अल्लाह और उसके तो अल्लाह ने आयते पाक तीन चीजों का जिक्र फरमाया है, ईमान का, ईमान का और तज़ीम रसूल का और इबादत का। एक चीज और बता, मेन बुनियादी बात जिसकी जरूरत हम सबको रहती है, हम सब की जरूरत क्या है? हम सब की जरूरत भी सिर्फ तीन है। जिस्म की बुनियादी जरूरत क्या है? तीन है। क्या क्या? पहले नंबर पे क्या है? रोटी है। क्या है? रोटी है, जिसके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता, भूख से तड़पने लगता है। तो पहले नंबर पे क्या है? रोटी है। तो दूसरे नंबर पे क्या है? कपड़ा है। कपड़ा है। जब तक बदन पर कपड़ा ना हो तो आप किसी के सामने आ नहीं सकते, शर्म के सामने आ नहीं सकते। तो बदन को छुपाने के लिए कपड़ा चाहिए, कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। और सुनिए के बहुत खास बात बताने जा रहा हूं। अच्छा क्या जिस्म सब कुछ है? इंसान में क्या जिस्म ही सब कुछ है? और जिस्म का जो निजाम चल रहा है मैंने पहले बता चुका हूं, जिस्म का जो निजाम चल रहा है वो किसके बदौलत चल रहा है? रूह की वजह। अगर रूह जिस्म से निकल जाए तो जिस्म किसी काम का नहीं, तो सारा निजाम रूह की बदौलत है। जिस्म के लिए आप क्या क्या नहीं कर रहे? जिस्म के लिए आप अच्छे से अच्छा खाने का इंतजाम करते हैं, जिस्म के लिए आप अच्छे से अच्छा कपड़े का इंतजाम करते हैं, जिस्म के लिए आप अच्छे से अच्छा रहने का मकान का इंतजाम करते हैं। जिस बीमार हो जाता है अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, हर जरूरत जिसकी पूरी करने में पूरी उम्र लगा देते हैं, पूरी उम्र लगा देते हैं अपने जिस्म को सहूलत देने के लिए, अपने जिस्म को आराम देने के लिए क्या से क्या कर जाते हैं, मगर ये नहीं जानते कि आपके जिस्म में असल चीज है क्या? असल चीज है क्या?
अरे जिस्म तब है, जिस्म तब है जब जिस्म के अंदर रूह है। जिस्म तब है जब जिस्म के अंदर रूह है। अगर ये रूह जिस्म के अंदर से निकल जाए तो उसको आप जिस्म भी नहीं कहेंगे, उसको आप जिस्म भी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? लाश है। क्या कहेंगे? ये लाश है। कोई लाश आपके सामने पड़ी होगी तो यही कहेंगे, लाश है। और लाश का माने क्या? लाश है। तो जिस्म से रूह निकल जाए तो जिस्म बेजान, जिस्म बेकार, किसी काम का नहीं। अब मेन इंपॉर्टेंट जिस्म की क्या चीज है? आपके बदन में, आपकी बॉडी में जो मेन चीज है वो क्या है? रूह है। और रूह कभी मरती है, जिस्म खत्म हो जाता है मगर रूह खत्म नहीं होती। तो जिस्म के लिए इतना सब कुछ, इतनी आसाइश, इतना आराम, मगर जिससे आपका जिस्म का निजाम चल रहा है उस रूह की आपको कोई फिक्र नहीं। सुभान अल्लाह, जिस्म को तो आराम पहुंचा रहे हैं मगर रूह को सुकून नहीं मिल रहा है। जिस्म को आराम पे आराम पहुंचाते जा रहे हैं मगर रूह बेचैन है, रूह बेकरार है, रूह को सुकून नहीं मिल रहा है। क्यों? कि जैसे जिस्म को आपने तीन जरूरतें दी, जिस्म को जो जरूरत थी, जिस्म को जिस चीज की जरूरत थी, रोटी कपड़ा और मकान दे दिया, जिस्म मुतमईन हो गए। जिस्म को जिस चीज की जरूरत थी आपने जिस्म को दे दी, जिस्म मुतमईन हो गया, जिस्म को सुकून हो गया, मगर रूह को सुकून नहीं मिला। रूह आपकी अभी भी बेचैन है, अभी भी बेकरार है, उसे सुकून नहीं मिल रहा है। तो आपको तो मालूम है कि हम जिस्म को तीन चीजों से सुकून दे सकते हैं, रोटी से, कपड़ा से और मकान से। तो अगर आपको अपनी रूह को भी सुकून देना है तो उसके लिए भी तीन बुनियादी जरूरत है। रूह की भी बुनियादी जरूरत तीन है जो अल्लाह ने जायदे पाक में बयान फरमाई है। ये तू मेनो बिल्लाही व रसूली व तू अब्दे रूह हो व तू अक्के रूह हो व तू सब पे रूह हो पुत्रतों का दीना। तो रूह की बुनियादी जरूरत तीन है, ईमान, ताजीम रसूल और इबादत। ईमान, ताजीम रसूल और इबादत। तो जब तक तुम ईमान वाले नहीं हो जाओगे, जब तक तुम ईमान वाले नहीं हो जाओगे, रूह को सुकून नहीं मिलेगा। रूह बेकरार रहेगी, बेचैन रहेगी। उसी तरह जब तक तुम ताज़ीम-ए-रसूल वाले नहीं बनोगे, रूह बेचैन रहेगी, बेकरार रहेगी। इसी तरह जब तुम इबादत वाले नहीं बनोगे, रूह बेचैन रहेगी, बेकरार रहेगी। अगर तुम जैसे अपने जिस्म को सुकून देते हो उसी तरह अपनी रूह को सुकून दे, ईमान के जरिए से, ताज़ीम-ए-रसूल के जरिए से और इबादत के जरिए। अगर तुम ईमान वाले हो गए, ताज़ीम रसूल वाले हो गए और इबादत वाले हो गए तो तुम्हारे जिस्म की तरह तुम्हारी रूह को भी सुकून। इसीलिए हमारी रूह को सुकून नहीं मिलता। क्यों? हमारा ईमान कमजोर है। ईमान आपका मजबूत तब होगा जब सच्ची मोहब्बत आपके दिल के अंदर। और ऐसी वैसी मोहब्बत नहीं, जान से ज्यादा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सहाबा इकराम के दरमियान फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन नफ्सी, कि तुम में से उस
वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे अपनी जान से ज्यादा ना चाहे। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। तो जब तक हुजूर को अपनी जान से ज्यादा नहीं चाहोगे मोमिन नहीं हो सकते। अगर जब सहाबी मोमिन नहीं हो सकता तो हम आपके पर कोई सहाबी बगैर मोहब्बत रसूल के मोमिन नहीं हो सकता तो हम वो आप कैसे हो सकते कैसे हो सकते। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया मोमिन बिल्लाह की रसूल ईमान लाओ अल्लाह और उसके और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौहीद बजा लाओ वो तो सब बेहू वो बुकरा कौन वास और सुबह शाम अल्लाह की हमद और सना बजा बात तो भी बहुत है फिर इंशाल्लाह कभी कभी मैं सोच रहा था कि थोड़ा फिर मौका मिलेगा तो फाउंडेशन पे बात करना फाउंडेशन और दीवार और अच्छा फिर चला गया अगर ये चरणों का तो बहुत लंबी बात है इंशाल्लाह फिर होगा फिर कभी आप लोग बुलाएंगे दुआ कर इंशाल्लाह फिर बयान होगा अल्लाह ताला हम आपको हुजूर रहमत के आलम नूर मुजफ्फर मोहम्मद रसूल अल्लाह ताला की सच्ची मोहब्बत अकीदत अता फरमाए उनकी सुन्नत करीमा की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और जो मस्जिद के लिए जो ऐलान हुआ है आप तमाम हजरात तो मेरी भी दरख्वास्त है कि आप हजरात ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें अल्लाह आपके हिस्से को कबूल फरमाए और खूब जज़ाए खैर अता फरमाए और जन्नत में आप सबके लिए आला से आला मकाम तामीर फरमाए। वमा अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।